अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल का दर्द चैनल की जानिब से नसीम अख्तर मुरादाबादी आपकी खिदमत में इस मौजू के साथ कि बाज़ औरतों को हैस बहुत ज़्यादा आता है, तो आइए हैस बहुत ज़्यादा आने से कौन कौन सी बीमारी लग जाती है ये बात जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे का बटन दबा दें ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए हम बात शुरू करते हैं कि हैज़ की ज़्यादती। इस बीमारी में औरत को हैज़ बड़े बेढंगेपन से आता है और कसरत से आता रहता है। इससे बदन कमज़ोर हो जाता है, नाड़ी तेज़ चलती है, प्यास बढ़ जाती है, चेहरा पीला हो जाता है, कब्ज़ रहने लगता है, भूख नहीं लगती, पाँव पर वर्म आ जाता है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं, यहाँ तक कि कभी औरत निढाल होकर बेजान सी हो जाती है। ये बीमारी ज़्यादा हम बिस्तरी की वजह से पैदा होती है या बार बार हमल ज़ाए होने से भी ये बीमारी पैदा हो जाती है। अब आप इसका इलाज सुन लें। नंबर एक, अनार के छिलके 22 ग्राम लें, फिर उसे 250 मिलीलीटर पानी में इतना उबालें कि पानी सूख कर आधा रह जाए। इस पानी को रोज़ाना सुबह पी लिया करें। नंबर दो, 25 ग्राम मुल्तानी मिट्टी आधा लीटर पानी में 2 घंटे तक भिगोए रखें, फिर उसे छान लें, रोज़ाना 125 मिलीलीटर 4 बार पिएं। इंशाल्लाह ताला ये आपकी हैज़ की ज़्यादती की बीमारी दूर हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इन दवाओं के लिए मुझसे भी राबता कायम कर सकते हैं। तो बात ज़रूर आपके समझ में आ गई होगी। आप अगर पहली मरतबा चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रोज़ाना आपको इसी तरह से काम की बातें और दीनी मालूमात सुनने के लिए मिलते रहेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अस्सलामुअलैकुम।